नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे और 1 मार्च से शुरू होगी मातारी वंदन योजना। डिप्टी सीएम अरुण साव का ऐलान। डिप्टी सीएम ने मुंगेली में ऐलान किया था, तैयार हो रही है विस्तृत रूपरेखा, 1 मार्च से लाभ मिलने लगेगा। अरुण साव ने कहा 1 मार्च से ही इसका लाभ मिलने लगेगा, महतारी वंदन योजना की शुरुआत की जाएगी, 1 मार्च से ये योजना शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने मुंगेली में ऐलान करते हुए कहा कि इसकी जो विस्तृत रूपरेखा है वो तैयार हो रही है, 1 मार्च से लाभ मिलने लगेगा। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय हमने किया है। विभाग विस्तृत रूपरेखा बना रही है कि आवेदन कब से लेंगे, आवेदन की छटनी होगी, जांच होगी और उसके बाद वो मिलने की प्रक्रिया हो जाएगी, तो 1 मार्च से मिलने लगेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। महतारी वंदन योजना जो है अंतिम रूप में है, संभावना है कि महीने भर के बाद सीधे उनके खाते में उनको पैसा चली जाएगी, क्योंकि ये महतारी वंदन योजना जो है महत्वाकांक्षी योजना है और चुनाव में घोषणा भी किए थे, घोषणा पत्र में शामिल था, तो हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कल कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें अंतिम मुहर लग गई, सभी माताओं को बहनों को इनका लाभ मिलेगा। तो महतारी वंदन योजना की शुरुआत की जाएगी मार्च से ही और इस योजना को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योजना हम कह सकते हैं और काफी असरदार योजना। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। आकाश, बात करें महतारी वंदन योजना की तो इसकी शुरुआत कर दी जाएगी मार्च से ही, ये योजना क्या है और इससे कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा ये भी बताइएगा विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो मोदी की गारंटी में सबसे बड़ा फैक्टर था महतारी वंदन योजना, यानी हर महीने जो विवाहित महिलाएं हैं उन 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा बीजेपी ने किया था। भाजपा सत्ता में आई इसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि महतारी वंदन योजना का लाभ आखिर कब मिलेगा, लगातार बैठकें चल रही थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में कल इस पर मुहर लगी, फैसला लिया गया और कहा गया कि महतारी वंदन का योजना अब लाभ मिलना शुरू हो गया है। जैसे कि जो बयान आता है उप मुख्यमंत्री का कि उन्होंने कहा है कि मार्च से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हमने जो राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि अगले माह से इसका लाभ मिलना सीधे तौर पर शुरू हो जाएगा, यानी कि महिलाओं को सीधे फायदा मिलेगा, उनके खाते में जो है मार्च से पैसा जाने की शुरुआत हो जाएगी। इसकी रूपरेखा बनाने के लिए कह दिया गया है, जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार होगी और जो फायदा है सीधे तौर पर महिलाओं को मिलेगा। जी फायदा बिल्कुल सीधे तौर पर महिलाओं को मिलेगा और इसका असर भी दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमरजीत भगत की, जिन पर आईटी की रेड लगातार जारी है और पिछले 36 घंटे से ये रेड चल रही है। रायपुर, अंबिकापुर, भिलाई दुर्ग में छापे मारे जा रहे हैं, अमरजीत भगत के करीबियों पर भी छापेमारी हो रही है, बिल्डर अजय चौहान की भी जांच हो रही है, 3 अन्य कारोबारियों के यहां पर दबिश दी गई है। अमरजीत भगत जो पिछले समय में खास तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बयानों से सुर्खियों में रहे, चुनाव के बाद भी अपनी ही पार्टी को कोसते हुए नजर आए, अब अमरजीत भगत के लिए खतरे के बादल हैं और मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि लगातार छापेमारी हो रही है और 36 घंटे से जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की कार्रवाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रदेश के कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कई ठिकानों पर पिछले 30 घंटे से भी ज्यादा समय से आईटी की रेड जारी है।
दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कोयला घोटाले को लेकर जो है वो खासतौर पर जांच की जा रही है। इसमें नामजद FIR जो है वो दर्ज की गई है। इनके साथ ही कवासी लखमा जो है उनका भी नाम है और भी कांग्रेस के कई लोग जो है उनका नाम है। तो आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए CRPF के जवान है वो तैनात है। उधर अंबिकापुर में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकाने पर IT की रेड जारी है। 30 घंटे से ज्यादा समय से कार्रवाई जारी है। अमरजीत भगत के बंगले पर सिविल इंजीनियर प्रमोद टोपो से अधिकारी पूछताछ की। निजी सचिव फ्रैंकलिन टोपो को हिरासत में लेकर IT की टीम अमरजीत भगत के बंगले पर पहुंची। दो आप देख सकते हैं कि जो IT की टीम की कार्रवाई चल रही है और अभी अभी उनके निजी सचिव फ्रैंकलिन टोपो को भी IT की टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बंगले में लेके गया है। इससे पहले जो सिविल इंजीनियर थे प्रमोद टोपो, उनको भी इसी बंगले पर रखा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर IT छापे को लेकर BJP के प्रदेश प्रवक्ता नलनेश ठोके ने आरोप लगाया कि उन्होंने गरीबों का चावल खाया, अब उनके भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो रही है। नलनेश ठोके ने कहा कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया सभी पर कार्रवाई होगी। अमरजीत जी के ऊपर जो छापा पड़ा है वो गरीब होने के कारण नहीं पड़ा है, छापा इसलिए पड़ा है कि उन्होंने गरीबों का राशन डकारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब इनकी सरकार थी बताती थी कि 500 करोड़ रुपए के घपले घोटाले आपके विभाग में चल रहे हैं, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल IT की कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि अमरजीत भगत पर जांच की आज कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। महासमुंद में फिर नकली नोट के खेल का मामला सामने आया है। सरायपाली पुलिस ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं और अरुण सिदार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये नकली नोट देखिए आप, ये तस्वीर नकली नोट के, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी नकली नोटों को पिकअप वाहन में साड़ियों के बीच रायपुर ले जा रहा था। आरोपी के पास से 500 रुपए के 760 बंडल नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि वो अपने साथी के साथ मिलकर नकली नोटों का धंधा करता था। ये पहला मौका नहीं है जब महासमुंद में नकली नोट बरामद किए गए हों। पिछले साल भी यहां नकली नोट बरामद हुए थे। आरोपी उड़ीसा से नकली नोट लाते थे और छत्तीसगढ़ से देश के कई शहरों में इसे खपाया जाता था। 500 रुपए के बदले 5000 रुपए के नकली नोट दिए जाते थे और अब एक बार फिर नकली नोट के खेल का पर्दा फाश हुआ है, जो बता रहा है महासमुंद नकली नोटों का अड्डा बन गया है। सरायपाली बस स्टैंड के आसपास में उस गाड़ी को चेक किया। सरायपाली TI के नेतृत्व में टीम बनाए थे। उस गाड़ी को चेक करने पर ऊपर में तो कुछ साड़ियां रखी हुई थी, पर जब अंदर से उसमें 4 बड़े बैग थे, उन बैगों को चेक किया तो उसमें इस तरह के जो नोट थे प्रथम दृष्टया में लग रहे थे वो प्रिंटेड नोट हैं। ये बड़ी मात्रा में थे और ये लगभग 76,000 नोट थे जो 760 पैकेट में थे। इनकी जो कीमत है 3,80,00,000 रुपये के ये नकली नोट बरामद हुए। इसमें से 12 साड़ियाँ थी जो, और एक पिकअप वैन, एक रेडमी मोबाइल के साथ में एक जो पिकअप वैन का चालक था अरुण सिदार जो 18 वर्ष का है, ये सारंगढ़ आने का एक सरायपाली गांव है वहां का निवासी है। उसको पूछताछ किए तो उसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति ने, क्योंकि इसके पास पिकअप थी तो पिकअप में कुछ सामान रायपुर ले जाना है लोड करके, एक फ़ोन नंबर से इसकी पिकअप बुक करवाया था। एक निश्चित जगह पर सारंगढ़ के थाने के एक अमेठी गाँव पड़ता है वहाँ पर उसको उसका सामान उसने रोड पे ही रखा हुआ था और फिर ये वैन जब आई इसके पास में तो उसमें लोड करके निकला। तो ये सूचना मिली थी हमको और चूंकि चालक है, चालक से अभी प्रारंभिक पूछताछ की गई है। सोमनाथ तोंडेकर हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, इस नकली कैश लुक के बारे में जानकारी साझा कीजिए और ये भी बताइए कि मालिक क्या पकड़ा गया है या फिर गिरोह के लोग पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि ये पूरा मामला जो है सरायपाली थाना क्षेत्र का है, जहां पे मुखबिर की सूचना पर सरायपाली पुलिस ने 3,80,00,000 रुपए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अरुण सिदार नाम का एक व्यक्ति है, सारंगढ़ का रहने वाला है ये, जो महासमुंद के रास्ते इस
नोटों के बंडल को जो है वो रायपुर ले जाना उनके द्वारा बताया गया है। हालांकि उनकी उम्र जो है महज 18 वर्ष है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी कम उम्र में ये इन तस्कर जैसे मामले को कैसे अंजाम दे रहे थे। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं इससे यह भी अंदाजा लगाया सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो है इस सरगना है, मेन आरोपी अभी इसमें पकड़े जाना बाकी और इसी की तलाश है कि आखिर मेन आरोपी कौन है और उसको कब पकड़ा जाएगा। जो ये बता रहा है कि अब ये पूरा इलाका जो है पूरे नकली नोटों से भरा हुआ है, आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।